गाइस, कुछ दिन पहले मैंने बियर्डो के हेयरस्प्रे का एक ऐड बनाया था, और इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको ये बताऊं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। ये है बियर्डो का हेयरस्प्रे जो जिसका मैं रिव्यू किया था, रिव्यू नहीं ऐड किया था। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये स्प्रे जो है स्टिकी होता है, और इससे आपके बाल रफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिससे टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज मैं एक अलग प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो कि ये है आठा का हेयर जेल। क्योंकि ये एक जेल है तो ये हमारे बाल को वेट लुक देगा। इसके लिए हमें नहा के आना पड़ेगा, तो गाइस मैं नहा के आऊँगा और इस जेल को लगा के देखूँगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है। और ये जो ये क्लेम करता है कि वेट लुक आपको ऑप्टेन करके देगा, वो करता है कि नहीं। तो गाइस चलो मैं नहा के आता हूँ, उसका इसको लगा के ट्राई करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम लोगन है। अभी मैं जाके बाथरूम में गया नहाने, तो मैं स्विच हो गया। तो इसलिए बिकॉज मेरे को ग्रूमिंग बहुत पसंद है, एंड मेरे को ये वाला जेल ट्राई करना है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये आपका हाइजीन। हाइजीन के लिए मैं लगाता हूँ सिंथोल का डियो स्टिक बस, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट स्मेल करता है। और इसका क्योंकि ये क्रीम है, इसको आप आराम से अपने अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं। ऑलराइट, अब बारी है हमारा ये आठा का जेल ट्राई करने के लिए। अरे फोकस हो जा फोकस। हाँ, आठा का जेल, तो चलो मैं इसको लगा के देखता हूँ। उतर जा। हाँ गाइस, ये एक ट्रांसपेरेंट जेल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लूँगा अपने पूरे आर्म्स में मल के, अपने पूरे पाम पे लगा के मैं इसको हेयर पे ड्राई करता हूँ। ओ वाह, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इसमें बताया गया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है सूखने के बाद, तो हम देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। तो गाइस इससे मेरा बाल सेट तो हो गया है, मगर मैं एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा, मगर ये एक वेट लुक दिया है, विच इज ऑल्सो गुड बिकॉज अच्छा ही लुक है। एक काम करता हूँ, मैं टी शर्ट पहन के आता हूँ। एंड वन इटर्निटी लेटर, गाइस ये स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद बाल सूखने के बाद पता चले, बट ये एक अच्छा वेट लुक देता है। इसका थोड़ा सा जैसे जैसे ये सूख रहा है वैसे वैसे इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होते जा रहा है, ये एक गुड थिंग। ओवरऑल मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लीज मुझे अपने रफ हेयर से तो छुटकारा मिले। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, शाबाश। स्विच होना नहीं जाता अभी, पता नहीं क्यों, बट मेरा जो मेन चीज़ था ग्रूमिंग, वो इस वीडियो के लिए हो गया। सो गाइस, ये एक्चुअली मैं एक नरिशिंग और स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड किया है, मेरा बाल बिल्कुल भी
ड्राई नहीं लगा है, बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं लगा है, उलझा हुआ नहीं लगा, बिल्कुल वो सेट हो गया। एंड जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था, ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दे रहा है। जब जैसे जैसे ये सूखते जा रहा है, वैसे वैसे मेरा बाल को स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं जाकर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस प्रोडक्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये एक प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये बस मेरे को मन किया वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देता हूँ, बियर्ड ट्रिम करता हूँ, बाल कटवाता हूँ, और हाइजीन वगैरह सबका ध्यान मैं रखता हूँ लोगन। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। असल में शाबाज को स्टार्ट करने बोला था, फिर मैं स्विच करके इस वीडियो को कंटिन्यू किया हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी अगले दिन। अंटिल देन, सी यू।